बीएससी पार्ट फर्स्ट पेपर फर्स्ट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पहला चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर। इसकी अब तक हम चार क्लासेस के बारे में हम बात कर चुके हैं। इन चार क्लासेस में हमने डी ब्रोगली इक्वेशन, ड्यूअल नेचर, इसके बाद एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ डी ब्रोगली इक्वेशन, इसमें डेविसन जर्मर्स एक्सपेरिमेंट, फिर उसके बाद हमने हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की बात की थी, और लास्ट क्लास में हमने बात की थी श्रोडिंगर वेव इक्वेशन की। उसमें आपको ध्यान होगा हमने कहा था कि श्रोडिंगर तरंग समीकरण को किस प्रकार डिराइव किया गया क्लासिकली इक्वेशन से, और क्लासिकल मैकेनिक्स के बाद में जब श्रोडिंगर तरंग समीकरण की बात आई तो हमने कहा था कि यह माइक्रो पार्टिकल्स के लिए सही परिणाम देती है, लेकिन यदि इसी श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को हम मैक्रो पार्टिकल्स के लिए भी लागू करें तो ये उसी तरह के परिणाम देगी जैसे कि क्लासिकल मैकेनिक्स से मिलते थे। आपको बात बिल्कुल स्पष्ट समझ में आ रही होगी कि क्लासिकल मैकेनिक्स से मैक्रो पार्टिकल्स का सही सही रिजल्ट मिलता है लेकिन माइक्रो पार्टिकल्स का नहीं मिलता, इलेक्ट्रॉन्स का नहीं मिलता, क्योंकि ये एक आवेशित कण है, चार्ज पार्टिकल है, और ये हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता के सिद्धांत का पालन करता है जो मैक्रो पार्टिकल्स नहीं करते। लेकिन यदि हम श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को चाहे माइक्रो पार्टिकल्स के लिए लागू करें चाहे मैक्रो पार्टिकल्स के लिए लागू करें तो माइक्रो पार्टिकल के लिए भी सही परिणाम देती है और मैक्रो पार्टिकल के लिए भी उसी तरह के परिणाम देती है जैसे कि क्लासिकल मैकेनिक्स से हमें मिलते थे। तब हमने श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को जो समझा था, हमने कहा था श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल जेड स्क्वायर प्लस ए पाई स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर ई माइनस वी इनटू साई इक्वल टू जीरो, फिर इसको हमने लैप्लेसियन ऑपरेटर के रूप में लिखा था और फाइनली हमने इसको हैमिल्टोनियन ऑपरेटर के रूप में लिखा था जहां एच साई बराबर ई साई था। तो यहां इस वाले एपिसोड में हम बात करेंगे एक तो प्रॉपर्टीज ऑफ साई और दूसरा फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ साई, साई की भौतिक सार्थकता, साई का क्या मतलब है, उसका क्या महत्व है और साथ में साई के गुण क्या है। तो सबसे पहले हम ये सीखें कि फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ साई, साई की भौतिक सार्थकता, साई से मतलब क्या। तो देखो जब पहले हम पार्टिकल नेचर की बात कर रहे थे तो हमने इलेक्ट्रॉन को ई से या फिर डॉट से रिप्रेजेंट किया था, लेकिन जब हमने कहा कि इलेक्ट्रॉन तरंग के समान भी व्यवहार करता है तो वहां उसको हम वेव फंक्शन से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं, तरंग फलन से, और तरंग फलन को साई के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं। या स्पष्ट समझें ये हम वेव फंक्शन यानी कि साई, साई क्या है, वेव फंक्शन, साई यहां पर तरंग फलन है, और उस तरंग फलन के रूप में हम जब कब, जब इलेक्ट्रॉन को हम वेव नेचर के रूप में मान रहे हैं, उसकी हम तरंग प्रकृति मान रहे हैं, तब वो साई वहां पर वेव फंक्शन कहलाता है। यहां तक बात समझ में आ रही, इसका मतलब क्या हुआ, साई क्या हुआ, साई क्या है यहां पर, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन्स अराउंड द न्यूक्लियस, नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता है, नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, वेव फंक्शन से, यानी कि साई से। तो पहले अगर अपन बोर की बात करें तो बोर ने तो क्या किया था, कहा था कि नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन एक वृत्ताकार पथों में चक्कर लगाते हैं, सर्कुलर पार्ट्स में घूमते हैं। इन्होंने कहा नहीं, यहां पर ये थ्री डायमेंशन की बात करते हैं, वो टू डायमेंशन की बात कर रहे थे, ये थ्री डायमेंशन की बात करते हैं कि न्यूक्लियस के चारों तरफ थ्री डायमेंशनल स्पेस में या कॉन्फिगरेशनल स्पेस में अंतराकाश में इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की जो प्रायिकता है उसको उन्होंने किससे रिप्रेजेंट किया, साई से रिप्रेजेंट किया। अब इसको आप यहां देखें, उन्होंने रिप्रेजेंट किया प्रोबेबिलिटी इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना, ये किसके प्रपोर्शनल है, उन्होंने कहा ये साई के प्रपोर्शनल है, ये साई, और इसको हम कह सकते हैं यहां पर dx dy dz, dx dy dz क्या वो स्मॉल वॉल्यूम है, इसको डीटो से भी डिपेंड करते हैं, प्रोबेबिलिटी ये है साई डीटो, साई डीटो से, डीटो यहां पर वो स्मॉल वॉल्यूम है जिसमें कि इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना, ये थ्री डायमेंशन की बात कर रहा है। तो dx dy dz, अब इसको और आगे समझो, ये जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है ये सेकंड डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये द्वितीय कोटि की अवकल समीकरण है। तो जब हम इसका सॉल्यूशन निकालते हैं, इसका हम हल निकालते हैं, तब तो हमें साई के कुछ मान प्राप्त होते हैं, साई की कुछ वैल्यूज मिलती है। ये जो साई की वैल्यूज है इनको हम क्या कहते हैं, आइगन वैल्यूज कहते हैं,
साई के वे मान जो अलग अलग ऊर्जा स्तर पर प्राप्त होते हैं उनको हम कहते हैं आइगेन वैल्यूज, और जिन ऊर्जा स्तर पर ये मिल रहे हैं उनको ये साई की जो वैल्यूज मिल रही हैं उनको हम आइगेन फंक्शन कहते हैं, और जिन ऊर्जा स्तर पर मिल रही है उनको आइगेन वैल्यूज कहते हैं। अलग अलग ऊर्जा स्तर पर जो साई के मान मिल रहे हैं वो तो कहलाते हैं आइगेन फंक्शन, और जिन ऊर्जा स्तर पर मिल रहे हैं उनको आइगेन वैल्यूज कहते हैं। तो आइगेन वैल्यू और आइगेन फंक्शन, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का जब हम साई का सॉल्यूशन निकालते हैं, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को हम हल करते हैं, तो हमें साई के अनेक मान प्राप्त होते हैं। तो साई के ऐसे मान, ध्यान से सुने, साई के ऐसे मान जो क्वांटम मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग रिजल्ट देते हैं, जो क्वांटम यांत्रिकी के अनुरूप परिणाम देते हैं, वो वेल बिहेव्ड फंक्शन कहलाते हैं, उनको सुव्यवहारिक फलन कहते हैं। और ऐसे सुव्यवहारिक फलन, ऐसे वेल बिहेव फंक्शन जिन एनर्जी लेवल पर कैलकुलेट किए जाते हैं वे कहलाती हैं आइगेन वैल्यूज, और ये साई को कहते हैं हम आइगेन फंक्शन। अब इससे और आगे की बात करते हैं, जब साई की वैल्यूज निकालें तो साई के कई बार मान क्या मिले, नेगेटिव भी मिले। साई का मान जब श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का हमने सॉल्यूशन निकाला अलग अलग एनर्जी लेवल पर, तो हमें कई बार साई का मान नेगेटिव या ऋणात्मक भी प्राप्त होता है। लेकिन हम कह क्या रहे हैं कि साई क्या है, फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस, नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता है। और ये आप अच्छी तरह जानते हैं कि प्रोबेबिलिटी कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती है, प्रोबेबिलिटी हमेशा जीरो, मिनिमम जीरो होगी, अधिकतम एक होगी। तो अब साई की वैल्यू कई बार नेगेटिव भी आ रही थी, तब इन्होंने क्या कहा, बजाय साई से रिप्रेजेंट करने के उन्होंने कहा कि यहां पर इसको बजाय साई के हम साई स्क्वायर से रिप्रेजेंट करते हैं। बात को समझे, बजाय साई के उन्होंने साई स्क्वायर कह दिया, इससे क्या फायदा हुआ, उन्होंने कहा यदि साई की वैल्यू नेगेटिव भी आती है तो नेगेटिव इनटू नेगेटिव मिलकर पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि प्रोबेबिलिटी कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। तो अब आप पता समझिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस इज रिप्रेजेंटेड बाय साई स्क्वायर इंस्टेड ऑफ साई। अब उन्होंने क्या किया, इसको साई स्क्वायर से रिप्रेजेंट कर दिया। साई स्क्वायर क्या है, यहां पर साई स्क्वायर है साई साई स्क्वायर, ये इसका कॉम्प्लेक्स कंजुगेट है, ये इसका संयुग्मी सम्मिश्र है। तो अब ये क्या इक्वेशन आ गई हमारे पास में, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस इज प्रोपोर्शनल टू साई स्क्वायर डी टॉ, यहां साई स्क्वायर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस है, और डी टॉ वह वॉल्यूम है, वह स्मॉल वॉल्यूम है जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना है। तो यदि आपसे कोई पूछे साई की फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, साई की भौतिक सार्थकता क्या है, साई से मतलब क्या है, साई स्क्वायर का क्या मतलब है, और साई से इलेक्ट्रॉन को के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी को कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये सब आप इसमें बता दोगे। इसके बाद एक और शॉर्ट नोट में क्वेश्चन आता है, प्रॉपर्टीज ऑफ साई, साई के गुण, उसको समझे। पहली प्रॉपर्टी इसमें हमें ये लिखनी है कि साई की जो वैल्यू है वो वास्तविक होना आवश्यक नहीं है, साई का मान वास्तविक होना आवश्यक नहीं है, यह कॉम्प्लेक्स हो सकता है, इसका मान सम्मिश्र हो सकता है, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट हो सकता है। जैसे हमने कहा साई स्क्वायर इज इक्वल टू साई साई स्टार, तो यहाँ साई स्टार क्या है, इसका ये कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है। तो पहली प्रॉपर्टी आप क्या लिखोगे कि साई का मान वास्तविक होना आवश्यक नहीं है या इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट हो सकता है, साई बराबर क्या होगा, साई स्क्वायर इज इक्वल टू साई साई स्टार। दूसरी बात सर कि जो साई की जब वैल्यू निकालें या श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का हम सॉल्यूशन निकालें, तो ये हमेशा क्या होना चाहिए, सिंगल वैल्यूड फंक्शन होना चाहिए, साई हमेशा सिंगल वैल्यूड फंक्शन हो, साई एक मानी फलन। इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये है कि जब कभी भी श्रोडिंगर तरंग समीकरण का हम हल निकालें, उसका हम सॉल्यूशन निकालें, तो एक बार में हमें एक परिणाम प्राप्त होना चाहिए साई का। तो साई कैसा होना चाहिए, सिंगल वैल्यूड फंक्शन होना चाहिए। तीसरी क्या प्रॉपर्टी होगी, साई शुड बी कंटिन्यूस, मैं लिखता चलता हूं उसको आप ध्यान देते रहे। पहला तो क्या था कि साई शुड बी, साई शुड बी कॉम्प्लेक्स कंजुगेट, कॉम्प्लेक्स कंजुगेट, इसका मान फाइनाइट होना जरूरी। दूसरे हमने क्या कहा साई की वैल्यू, कि ये साई शुड बी सिंगल वैल्यूड फंक्शन, सिंगल वैल्यूड फंक्शन, एक मानी फलन होना चाहिए, ठीक है। तीसरा हम क्या कह रहे हैं, इट शुड बी कंटिन्यूस, शुड बी कंटिन्यूस, इसका मान सतत होना चाहिए, क्योंकि ये वेव की तरह से बात कर रहे हैं, इसको हम यहां वेव नेचर के रूप में देख रहे हैं, और वेव हमेशा कैसे होती है, कंटिन्यूस होती है।
तो साई शुड बी कंटिन्यूअस, साई का मान कैसा होना चाहिए, सतत होना चाहिए। चौथा क्या, इट शुड बी डिफरेंशियली ट्वाइस, इट शुड बी डिफरेंशियली ट्वाइस, डिफरेंशियली ट्वाइस इन कॉन्फिगरेशनल स्पेस। यह अंतराकाश में दो बार अवकलन के योग्य होना चाहिए। आप यदि याद हो तो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, तो हमने कहा था डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, डबल डिफरेंशियल इक्वेशन थी, डबल डिफरेंशिएशन इक्वेशन थी। इसका मतलब साई कैसा होना चाहिए, यह डिफरेंशियली ट्वाइस या दो बार अवकलन के योग्य होना चाहिए। यह कंटिन्यूस होना चाहिए, सिंगल वैल्यूड फंक्शन होना चाहिए, और यह कैसा होना चाहिए, ये इसका कॉम्प्लेक्स कंज्यूज होता है, इसका मान फाइनाइट होना कोई आवश्यक नहीं है, इसका मान कोई परिमित होना आवश्यक नहीं है, इसका मान कह लो कॉम्प्लेक्स कंजुगेट भी हो सकता है। तो ये सारी साई की प्रॉपर्टीज यदि कोई शॉर्ट नोट में आता है तो आपको लिखनी है। तो इस क्लास में हमने क्या सीखा, एक तो फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ साई, साई की भौतिक सार्थकता, और इसके साथ साथ हमने सीखा प्रॉपर्टीज ऑफ साई या साई के भौतिक गुण क्या क्या है वो हमने सीखे।